गुम है किसी के प्यार के। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि ईशान सवी की शादी के बाद घर वालों को बताने की कोशिश करेगा, अक्का साहब और राव साहब उसकी बात नहीं सुनेंगे, रीवा के सामने वो नहीं बोल पाएगा। गुम है किसी के प्यार शो में अब तक आपने देखा कि फंक्शन में ईशान का इंतजार किया जाएगा, आज दिखाया जाएगा कि वो पहुंचेगा और माथे पर चोट देखकर रीवा और घबरा जाएगी। घर वालों को वो एक्सीडेंट के बारे में बताएगा, फैमिली के साथ बैठकर भी ईशान को सवी के साथ शादी याद आएगी। प्रतीक बैचलर्स पार्टी का आइडिया देगा और ईशान सोचेगा कि परिवार को धोखे में नहीं रखेगा बल्कि सच बताएगा। वो बताने की कोशिश करेगा तो अक्का साहिब और राव साहिब उसकी बात नहीं सुनेंगे। सीरियल में आज दिखाया जाएगा कि ईशान चोट लगाकर पहुंचेगा, सब परेशान होंगे। ईशान सुलेखा और यशवंत को कमरे में ले जाकर सभी और अपनी शादी के बारे में बताने की कोशिश करेगा। यशवंत कहेगा कि सभी उसके स्टूडेंट है, वो उसकी मदद के लिए सब कुछ करेगा पर सभी की बातें छोड़ दे। यशवंत बताएगा कि रीवा के पिता ने उस पर एहसान किया, जमीन का पैसा दिलवा दिया, वो अपनी बहू का ऐसा स्वागत करना चाहता है कि दुनिया देखे। ईशान परेशान हो जाएगा, वो रीवा को सच बताने की कोशिश करेगा। सवी बेहोश हरनी से बात करेगी और उसका कमरा सजाएगी। सवी हरनी से कहेगी कि वो आईएएस अफसर बनने का परिवार वालों का सपना पूरा करेगी। ईशान रीवा के पास जाएगा, रीवा रोमांटिक होकर ईशान से कहेगी कि उन दोनों के बीच सब कोई शर्म पर्दा या सीक्रेट नहीं है। ईशान उससे नजरें चुराएगा, रीवा अपने ब्लाउज की डोरी बांधने को कहेगी। ईशान रीवा को भी सवी से शादी के बारे में नहीं बता पाएगा। रीवा को डाउट होगा कि ईशान परेशान है। अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि पंडित जी ईशान की कुंडली देखकर बोलेंगे कि उसका विवाह हो चुका है, घरवाले परेशान हो जाएंगे।